who started the violence and how it started. चाइना ने जो किया है वो कोई पहली बार नहीं किया, हम सबको मालूम है। सालों से वो लोग इंट्रूड करते हुए, बुलिंग करते हुए हमारा जमीन खाते जा रहे हैं। एक बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका। हिस्ट्री इस बात का प्रूफ है, जो वीडियोस मैंने अभी आपको दिखाई वो इस बात का प्रूफ है कि इंडियंस को फ्रेंड्स 100, 200, 300, 400 साल से नहीं, हजारों सालों से लूटा आता जा रहा है। हर बार एक अलग कम्युनिटी का हमारी कंट्री में आना, कभी मुगल्स का हमारी कंट्री के अंदर आना, कभी पोर्तुगीज का हमारी कंट्री में आना, कभी फ्रेंचमैन का हमारी कंट्री के अंदर आना, कभी ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री में आना, हर बार सिर्फ हमारी कंट्री के लिए एक इंडिकेट था कि हमारी कंट्री खतरे में है। और फ्रेंड्स हर बार की इनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो क्या थी, बिल्कुल सेम, कि इन्होंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, ट्रेड के लिए हाथ आगे बढ़ाया और हमारे ही राजाओं का या सोल्जर्स का या फ्रीडम फाइटर्स का फ्रेंड्स हाथ काट दिया। अब मैं कहता हूं कि न्यूमरस लोगों ने, राइट, ठीक है, अनकाउंटेबल लोगों ने अपनी जाने गवाई। अगर मैं बिल्कुल राजा महाराजा के टाइम से बात करूं, बिल्कुल उस टाइम से लेके अब तक हजारों लोगों ने अपनी, करोड़ों लोगों ने अपनी जान गवा दी ताकि हमारा इंडिया, हमारा जो भारत देश है ये हमेशा आजाद रहे। लेकिन फ्रेंड्स आज चाइनीज भी उसी सेम स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए इंडियन मार्केट के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। सेम वही स्ट्रैटेजी के अपने बनाए हुए सस्ते प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा अवेलेबल करवा देना जिससे कि इंडियंस के पास कोई चॉइस ही ना रहे कोई और प्रोडक्ट खरीदने की। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपसे एक ही बात बोलूंगा, हम हिस्ट्री को रिपीट होने नहीं दे सकते। हमारे सोल्जर्स वहां पर पे अपनी, वहां बॉर्डर पे अपनी जान गवाए जा रहे हैं, हजारों सोल्जर्स हर साल मारे जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम लोग अपनी कंट्री में फ्री रह सके। तो ये फ्रेंड्स हमारी भी एक मॉरल ड्यूटी है कि हम ऐसे कोई भी एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो जो एक्टिविटी से हमारे ही सोल्जर्स के लिए हम कफिन्स के पैसे या फिर हमारे ही सोल्जर्स के लिए, हमारे ही इंडिया देश के लिए वेपन्स के पैसे हम दूसरे देशों को प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ हम नहीं होने देंगे। ब्रिटिशर्स ने भी हमारे ही पैसे लिए और हमारी ही बर्बादी की। आज चाइनीज भी हमारे ही पैसे ले रहे हैं और हमारी ही बर्बादी कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस चीज को हमें आज ही कैसे भी करके रोकना होगा। मानता हूं मुश्किल होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वी नीड टू स्टॉप दिस हियर, क्योंकि फ्रेंड्स समझदारी इतिहास में की गई गलतियों से सीखने में होती है, ना कि उन्हीं गलतियों को दोबारा रिपीट करने में होती है। और बातों में पैट्रियोटिज्म से इस बार काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, हमारे एक्शंस में भी पैट्रियोटिज्म उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इंडियन सोल्जर की चाइना के साथ नहीं है, ये हर इंडियन सिविलियन की लड़ाई है चाइना के साथ। और अगर हम इसमें फेल हो जाते हैं फ्रेंड्स तो इंडिया की लड़ाई चाइना से नहीं होगी, इंडियन सोल्जर की लड़ाई चाइना से नहीं होगी, इंडियन सोल्जर की लड़ाई होगी इंडियन सिविलियन से, क्योंकि हमारे ही एक्शन उन लोगों के लिए
हर बार एक नई प्रॉब्लम को फाइनेंस। आइए एक शॉर्ट स्टोरी देखते हैं जिससे कि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चाइना की सारी स्ट्रैटेजी, आपको चाइना का पूरा स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट बिल्कुल माइंड में छप जाएगा। भैया दिवाली वाली लाइट दिखाना। किस रेंज में चाहिए भैया? सस्ती चाहिए। चाइना की मिलेगी सस्ती? बता दो। कोई गारंटी? गारंटी नहीं होती भैया चाइना की मांग की। कितने की है? 70 रुपए की। ये रुपए ये बच्चों के खेलने वाली जो क्ले होती है वो है क्या आपके पास? हाँ जी मिल जाएगी भैया। दिखा देना सर। ये वाली मिलेगी भैया 50 रुपए की। ये बच्चों का जो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है आजकल जो चल रहा है मार्केट में, मिल जाएगा क्या? हाँ जी मिल जाएगा भैया। किस रेंज में चाहिए आपको? मेरे को आप 1000 से कम के रेंज में दिखा दो भैया। 500 तक में मिल जाएगा, चाइना का होगा। ठीक है कोई इशू नहीं, आप दिखा दो। दिखा दो। तो देखा आपने फ्रेंड्स, जो हर चाइनीज प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते हैं वो हम अपने किसी सोल्जर के मार्टर का फाइनेंस करते हैं। जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट हमारे इंडियंस के थ्रू परचेज किए जाते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे सोल्जर के कफिन के लिए ही यूज किए जाते हैं। सो वी नीड टू इमीडिएटली स्टॉप दिस। कोई गवर्नमेंट कुछ करेगी, हमेशा हम गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाते हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट कुछ करेगी या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ करेगी। फ्रेंड्स वो गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कब क्या करेंगी नहीं करेंगी हमें कभी किसी को नहीं पता। वी नीड टू टेक सेवरल इमीडिएट एक्शंस एट द मोमेंट। हमें अभी के अभी कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे और वो पहला एक्शन हमारे लिए कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। हम बहुत कुछ अगर अपने सोल्जर्स के लिए नहीं कर सकते, हम उनके पेन उनके सेक्रीफाइस को अगर थोड़ा भी समझते हैं तो एटलीस्ट हमें इन प्रोडक्ट्स को अभी से इमीडिएटली बॉयकॉट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उन हजारों सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस टोटली फ्रेंड्स वेस्ट है, पूरी तरीके से वेस्ट है। अगर हम आज भी अपने कुछ पैसों के बेनिफिट के लिए आज भी हम चाइनीज प्रोडक्ट को लगातार यूज करते चले जाएंगे तो ये टोटली उनके जितनी भी मेहनत उन्होंने करी वो सब कुछ हम सिर्फ सेक्रीफाइस करते चले जाएंगे। सब्सक्राइब करना इस चैनल को आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन शेयर करना एज अ ट्रू इंडियन ये आपकी ड्यूटी है। शेयर एज मच एज यू कैन सो दैट एवरी पर्सन इन दिस नेशन गेट टू नो कि वो किस तरीके से अपनी ही कंट्री को डुबाने में लगे हुए हैं और अपनी ही कंट्री के सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस का मजाक बनाने में लगे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।